तो दोस्तों, आप सभी का हमारे ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम टू आवर ब्लॉग। तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सब के मुनाशन अपना शवाइला। तो अभी हम आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं तो आप अभी पहले तो गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर आपका, गुड आफ्टरनून। तो आज हम सब, मैं बहुत खुश हूँ कि आज हम घूमने जाने वाले हैं माँ दुर्गा, जो तो बंगाली बता देती हूँ, कलकत्ता में दुर्गा पूजा होती है। तो हम सब दुर्गा पूजा, दुर्गा माँ के पंडालों में जाने वाले हैं माँ के दर्शन करने। तो आज जाने वाले हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम नए कपड़े पहनेंगे, तैयार होंगे, मेकअप करेंगे, बाहर घूमेंगे, फिरेंगे। तो बहुत ही खुशी होती है जब पूजा होती है, तो बहुत ही खुशी होती है। तो हम सब घूमेंगे फिरेंगे, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो इसी खुशी के साथ आज का दिन बीतेगा और ये ब्लॉग भी बीतेगा। तो आप मतलब बने रहिएगा और ये ब्लॉग पूरा देखिएगा, तभी आप कोलकाता की दुर्गा पूजा का आनंद ले पाएंगे। तो पूरा पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो अभी हमने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। तो घर पर हम ऐसे ही रहते हैं, बस अपने बाल बनाया है वीडियो के लिए। तो चलिए, इधर माँ आ गई है। तो माँ सबको, तो पंखा हमने चला दिया है, ये देखिए पापा का कमरे का पंखा, और ये देखिए माँ। माँ सबसे पहला नमस्ते बोलो। नमस्ते, हाय, बोलो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, भालो आछो, हाय। तो आज का हमने दिन का व्लॉग में स्टार्ट कर ही दिया है, दोपहर का व्लॉग। तो आज सब सबको बोल दो हमारे साथ व्लॉग में बने रहने के लिए। आज आप सब हमारे व्लॉग में बने रहिएगा। आज हम सब पूजा देखने के लिए पंडाल में जाने वाले हैं। हाँ, तो मैं सबको बता दीजिए, जो जो नॉन बंगाली की हमारे यहाँ पर दुर्गा पूजा होती है। हमारे यहाँ पे दुर्गा पूजा होती है, आप सभी को पता होगा, कलकत्ता में सबसे बड़ी और सबसे अच्छा दुर्गा पूजा कलकत्ते में ही होती है। तो ये पापा का कमरा है, यहाँ पे माँ बैठी है पापा के बेड पे, और ये है उनका कमरा जहाँ पे हमने कपड़े भी सुखा के रखे हैं। यहाँ पे कपड़े सुखाने की जगह नहीं है ना दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पे रख देते। ये उनकी, ये माँ की अलमारी है, देखिए यहाँ पे जैसे स्टिकर लगाया है। और ये माँ हमारी तस्वीर है ना, हाँ, ये हम तीनों की तस्वीर है। ये माँ है, पहले देखिए वो ऐसी दिखती थी, अब बीच में उनकी तबीयत खराब हो गई ना, उनकी थायराइड हो गई, तब से वो ऐसी हो गई है। हाँ, ये मैं हूँ, ये बाबा है ना, है। और ये देखिए ये कमरा, ये उनका डेस्क। तो यहाँ पे बैठे हैं ना, वहाँ कुछ बोल दो, आप कुछ भी बोल दो। आप से हमारे चैनल अगर आपका इनको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, प्लीज़ कीजिएगा सब्सक्राइब। मैं आप पहनने क्या वाले वो बता दो, हम जो पहनेंगे आप सबको दिखाएंगे। हाँ, तो आउटफिट सीक्रेट है, जो भी आउटफिट पहनेंगे हम आपको दिखाई देंगे आपको। तो ये देखिए बाहर ये पौधे हैं, मैंने आपको बहुत बार वीडियो में पौधे दिखाए हैं ना माँ। तो आज दोपहर को खाने में क्या बनता है वो बता। आज दोपहर को हम मछली बना रहे हैं। बालकनी में जा रही है, चली गई है बालकनी में, और ये हमारी बालकनी, मैंने हर बार आपको दिखाया है। ऊपर देखिए आपको सूरज है, कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये देखिए यहाँ पे डस्टबिन, देखिए कैसे उल्टा पड़ा हुआ है। सीधा कर देते, संतरे का पौधा लगाया है दोस्तों माने। अब संतरा यहाँ पे होगा कि नहीं इस वेदर में, यहाँ पे पता नहीं, तो आप लोग बताना होता है कि नहीं। संतरे का पत्ता अच्छा है ना। तो ये घर, और शाम को होगा व्लॉग क्योंकि शाम को लोग जाने वाले हैं। यो कर दो फोन। अभी दोपहर हो चुकी है, तो फूड आपने, और देखिए अभी हम खा रहे हैं दोपहर का लंच, वो भी मछली, वो भी टेस्टी टेस्टी मछली, वो भी कातला मछली जो हमारी फेवरेट है। ये देखिए माँ, देखिए मेरी माँ को, मैं प्यार की माँ को आपको हाय बोल रही है। हाय एवरीवन, ये देखो यो। तो दोस्तों आप
सभी का हमारे ब्लॉग में स्वागत है एक बार फिर से। तो मेरी मीमा कहता है हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब? क्यों आशा अपना शवायरा। तो देखें हम लोग देखिए आज दुर्गा पूजा है यहाँ पे, तो हम मैं और मेरी माँ दुर्गा माँ के दर्शन करने जा रहे हैं। तो हम तैयार हो चुके हैं, हमने क्या पहना है वो हम आपको दिखाएंगे, पर मेरी माँ ने जो पहना है हम पहले आपको वो दिखा देते हैं। तो चलिए और पंडाल आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और घर बैठे दुर्गा माँ के दर्शन कीजिए। तो चलिए माँ ने क्या पहना है, कैसे वो रेडी हुई है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। चलिए और नमस्ते नमस्ते सत श्री अकाल। तो फाइनली माँ तैयार हो चुकी है और ये देखिए माँ खड़ी हो जाइए थोड़ा सा। ये है माँ का आउटफिट, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है उनका सूट, आप देख सकते हो दोस्तों, ये सूट पे देखिए कितने कढ़ाई की हुई है। तो ये सूट उन्होंने पहना है, उनका मैंने मेकअप भी कर दिया है, देखिए ये बाल ना ऐसे रखो। तो वो तैयार एकदम हो चुकी है, बहुत प्यारी लग रही है। माँ घूम जाओ, पोज दो पोज यो। तो हम अभी हम जा रहे हैं दोनों पंडालों में ना माँ। तो माँ आज हम आस पास जाएंगे, अभी हम आसपास जा रहे हैं पंडालों में, पर जहाँ भी जाएंगे दर्शन करवाएंगे हम आपको, और अगर हो सके तो पापा से भी मिलवा देंगे अगर हुआ तो, ठीक है ना, क्योंकि आज पापा बिजी चल रहे हैं। तो ये है माँ, तो माँ को आपने देखा, माँ एक बार फिर से यो बोल दो, फिर दिखाती हूँ मिरर में दिखाती हूँ दोस्तों। तो ये मैंने पहना है आप देख सकते हो, तो ये ही है रेड कलर का पैंट है, इसे क्या जैगिंग्स कहते हैं, कुछ ऐसा ही कुछ कहते हैं। और ये टॉप है वाइट कलर का टॉप, पे ब्लू कढ़ाई की हुई है, और शॉर्ट टॉप है पर अच्छा है, ज़्यादा भी शॉर्ट नहीं है। तो ये आउटफिट मैं आपको दिखा देती हूँ, तो ये कुछ ऐसा आउटफिट है, मैंने मेकअप भी बहुत लाइट किया है, ज़्यादा मेकअप मैंने किया नहीं। तो ये है कुछ तो आउटफिट तो कुछ ऐसे ही होता है। तो चलिए तो हम तैयार हो गए, अभी हम निकलने वाले हैं, तो आप सब भी चलिए, आप बताना हमें आपको हमारा आउटफिट कैसा लगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने अपने हाथों में चप्पल ले लिए है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था हमारी मकान मालकिन हमें चप्पल पहन के जाने नहीं देती नीचे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनका घर फर्श पूरा पत्थर से बना हुआ है, मार्बल, तो उनका मार्बल गंदा हो जाएगा। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा घर बने और हम वहाँ से निकले। तो चलिए चलते हैं, देखिए माँ एकदम रेडी अपने छाते अपने पर्स के साथ, और ये रहे हम, दरवाज़ा खोल रहे हैं मेरी माँ, खोल दिया दरवाज़ा, चलिए निकलने वाले हैं। ये है देखिए बाहर का तोरण, यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये है वो तोरण जो पापा लाए थे, अच्छा है ना। और ये हमारा घर, तो चलिए मिलते हैं आगे, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये कलकत्ता की लाइट जो दुर्गा पूजा में लगती रहती है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट की लाइट से है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है लाइटिंग से, पूरा सड़क इतना चमक उठा है, कितना प्यारा लग रहा है। अगर कलकत्ता कभी आए तो दुर्गा पूजा के टाइम आएगा, बहुत ही आनंद आएगा। और ये देखिए दोस्तों यहाँ का पहला पंडाल था, ने कहा था ना
कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो आज वो हमारे साथ भी हो गया, हमारे साथ भी छोटी छोटी बातें हो गई। तो ये सब बातें अच्छी भी लगती है, याद भी रहता है कि हाँ ऐसा हुआ था। तो माँ आप सबको एक बार हाय बोल दो। भगवान आ चुका है पर उसका उनका मुंह ढका हुआ है। वो पंचमी से हमारे यहाँ पे कलकत्ता में, पूरे कलकत्ता नहीं दिल्ली सब जगह में भगवान का मुंह मूर्ति का ढका हुआ होता है। फिर बाद में पूजा के टाइम पंचमी में उनको खोल दिया जाता है। हाँ तो आज पंचमी है नहीं, आज चतुर्थी है, तो इसलिए दिखा नहीं पाए क्योंकि शॉप में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत कस्टमर आए थे भगवान की दया से, तो वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाई और शर्म भी आ रही थी कि सबके साथ ब्लॉग कैसे शूट करेंगे। बहुत लोगों को यूट्यूब ब्लॉग्स का उन्हें पता भी नहीं होता है, तो सब लोग देखते हैं ऐसे ना, तो इसलिए हमने शूट नहीं किया वहाँ पे। तो नेक भाई एक दिन मैं आपको ज़रूर अपने दुकान ज़रूर दिखाएंगे, माँ का दुकान है वो, माँ के नाम से रूना वेराइटीज़। तो कभी अगर आप कलकत्ता आओ तो प्लीज़ रूना वेराइटीज़ में आइएगा, एम एन घोष रोड में है, दमदम में आप पड़ता है वो, तो वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाके प्लीज खरीदिए कपड़े ना, वहाँ पे सर तरह तरह के मेकअप से लेके कपड़े तक सब मिलेंगे। तो हम जरूर एक दिन आपको हमारा शॉप दिखाएंगे, तो बोलो हम आपको शॉप दिखाएंगे। हम चेंज कर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, कपड़े पर हाथ मुँह धो लेते हैं, थक चुके हैं, तो उसके बाद देखते क्या है। और सब चाय पीते, चाय बनाओगे आप तो चाय पीते, देखते क्या होता है, जो होगा आगे का अपडेट हम अपना शेयर करते रहेंगे। तो तो ये है हमारा डिनर, आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये है डिनर, हमारा डिनर दिखा दीजिए, रात का खाना आपके खाने में क्या है। तो ये है और ये है चिकन, इंडियन चिकन जो मेरी माँ ने बनाया है, ये है फ्राइड मिर्ची और तली हुई मिर्ची, मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत खाती हूँ। और ये हमारे थाली हमारी, और ये है रोटी, और ये है दो प्याज। तो ये है रात का खाना जो हम खाएंगे, और ये है वो प्लेट तो अभी हम खाएंगे। तो ये है परमैन आ रहा है और बैठी हूँ अभी, तो पापा जब आएंगे तो हम लोग खाना खाएंगे।